कल का इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो भी देख रहा हो, एक बार तो धक धक हो गई होगी, क्योंकि जो टारगेट बनाया दिया था इंडिया ने, लेकिन वही वाली बात है, हमने बना दिए हैं उनको अभी बनाने हैं। तो भैया इंडिया जीत चुकी है, बुमराह ने कर दिया गुमराह, और इंडिया का बॉलिंग अटैक बहुत गजब था, पिच डिफिकल्ट थी। देखते वर्ल्ड कप में एक बार फिर भारत के हाथों जलील हो गया पाकिस्तान। 1 2 3 गो। यार पाकिस्तान की टीम से मैं पूछना चाहूंगा कि अगर तुम लोगों को पिच पर ही करना था तो तुम लोग बैट लेकर क्यों गए, लोटा लेकर गए होते? ये भी ठीक है। क्यों भैया, सूजी है? नमस्कार, मैं हूं रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं रणतंत्र। क्या इंटरनेशनल टीम बनेगी भैया ये हैं? लप्पू सी तो टीम है, खेलना इनको आवे ना, खेला इनसे जावे ना, 120 रन इनसे बनते नहीं, बातें करूं रात भर और परफॉर्मेंस मेरी झ से खाट भर, ऐसा हिसाब है इन लोगों का। इमाद वसीम से थोड़े दिन पहले पूछा गया था कि दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर कौन है, उनने कहा मुझसे बेहतर कोई हो सकता है? भाई मुंह चलाने से अगर कोई ऑलराउंडर बनता ना तो फिर हाँ तुम ही होते दुनिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर। लेकिन फिलहाल ऑलराउंडर बनने के लिए बैटिंग और बॉलिंग करनी पड़ती है, जो कि न तो इमाद वसीम से हुई और न ही पूरी पाकिस्तानी टीम से। लेकिन पाकिस्तान की लेने के चक्कर में इंडिया को मत भूल जाइएगा, 120 रन डिफेंड करे हैं हमारे गेंदबाजों ने। पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूँ, बुमराह हमारे नेशनल ट्रेजर है और उनको जो चाहिए इस पूरे देश को दे देना चाहिए। कायदे से तो कल मोदी जी को शपथ ग्रहण करते टाइम 4-5 मंत्रालय बुमराह के नाम कर देना चाहिए था, क्योंकि अगर बुमराह ना होते तो हम जलील हो जाते। एक काम करते, शुरू से शुरू करते हैं। बात ऐसी है कि कल आपका भाई मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति भवन गया था। अच्छा, ये देखो फोटो। अच्छा, शपथ ग्रहण समारोह देर तक चला और मुझे लगा कि शुरू का मैच छूट जाएगा, लेकिन वॉर के बाद मोदी जी ने टॉस भी रुकवा दिया। अरे यार ऐसा कैसे? न्यूयॉर्क में बारिश हो गई और कायदे से मैच रात को 9:30 बजे शुरू हो पाया। जिस चीज का डर था वही हुआ, एक मुश्किल पिच पर भारत टॉस हारा और बाबर आजम ने तुरंत से पहले बॉलिंग ले ली। पाकिस्तान के खिलाफ तो वैसे भी हमारी आधी से ज्यादा उम्मीद विराट कोहली से होती है, लेकिन कल विराट भाई भी डिसअपॉइंट कर गए। नसीम शाह की बहुत दूर जाती गेंद पर कोहली भाई ने बल्ला लगा दिया, सरल शब्दों में बोलूं तो उड़ता तीर ले लिया और आउट हो गए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ऐसा समझो हमारी आधी टीम तो तभी आउट हो गई थी, लेकिन क्या फिर रोहित शर्मा भी छक्का मारने के चक्कर में जब आउट हुए तो हमें समझ में आया कि यही रात अंतिम, यही रात बारी होने वाली है भैया। दिल्ली की टीम ने आईपीएल में भले ही कुछ ना उखाड़ा हो, लेकिन दिल्ली के दो खिलाड़ियों ऋषभ पंत और अक्षर पटेल ने मिलकर एक पार्टनरशिप करी और इस ग्राउंड पर इंडिया ने अभी तक का हाईएस्ट पावर प्ले स्कोर भी बनाया और फिर 10 ओवर में 80 रन के पार हम लोग निकल गए थे। इस पिच पर अगर हम 160 बना लेते तो जीत की गारंटी मिल जाती, लेकिन 10 ओवर के बाद हालात वैसे ही बदल गए जैसे एग्जिट पोल के बाद नतीजों वाले दिन हालात बदले। मजा नहीं आ रहा है। 89 for 3 वाली भारतीय टीम 96 तक आते आते 7 विकेट गंवा चुकी थी। 160 तो छोड़ो, 140 में ही हमारे छुहारे सूखे हुए थे। ये क्या है? मैंने आपको कल ही बताया था कि किस तरह पाकिस्तान की टीम ओपोनेंट के लेवल पर खेलती है। अचानक से पाकिस्तान वाले इंडिया की तरह खेलने लगे और विकेट लेने लगे। कैसे विकेट लेने लगे राहुल जी? जी हाँ, मोहम्मद आमिर ने जब बैक टू बैक गेंद पर ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा को आउट किया, हम तभी समझ गए थे कि 20 ओवर पूरे नहीं खेलने वाले हम लोग आज। और नतीजा ये हुआ कि T20 क्रिकेट के इतिहास में पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार भारतीय टीम ऑल आउट हो गई। 20 ओवर पूरे नहीं खेले हम लोग और पाकिस्तान को जीतने के लिए टारगेट मिला मात्र 120 रन का। भाई पाकिस्तान का टारगेट भी आसान था और आपका भी टारगेट आसान है। 120 का टारगेट का मतलब था कि एक तरह से मैच पाकिस्तान की झोली में था, क्योंकि यही तो चाहिए बाबर और रिजवान को। वनडे वाली इक्वेशन, हाँ, दोनों पर तेज खेलने का कोई दबाव नहीं था, लेकिन बाबर के साथ हसन अली की किंग कर लेगा वाली पनौती जरूर थी। किंग एक बार फिर कर नहीं पाए और बुमराह को ही बहुत जरूरी विकेट मिला, ये मिलना चाहिए था। पाकिस्तान वालों को बुमराह और सिराज की गेंदबाजी वैसे ही नहीं समझ आ रही थी जैसे इंग्लिश समझ नहीं आती। लेकिन इसके बावजूद 10 ओवर के बाद स्कोर कार्ड पर 57 थे और विकेट गिरा था सिर्फ एक, लेकिन यहां से टीम इंडिया ने फाइट बैक किया। अक्षर पटेल को इसलिए खिलाया गया था ताकि हमारी बल्लेबाजी लंबी हो जाए। उन्होंने रन बनाकर अपने सिलेक्शन को जस्टिफाई तो किया, लेकिन उस्मान खान को LBW मार के उन्होंने जून की गर्मी में फरवरी की ठंडक दिला दी। और फिर बुमराह भाई तो क्या ही कहें उनके भैया। मोहम्मद रिजवान को लग रहा था कि दुनिया के बेस्ट गेंदबाज को छक्का लगा देंगे, लेकिन फिर बुमराह की गेंद ने कहा चल निकल भंवरे, नई जरूरत है इस पिच को तेरी। और उसके बाद पाकिस्तान वालों ने जो अपने 94% विनिंग प्रोबेबिलिटी के दम पर वो लोग उछल रहे थे, उस प्रोबेबिलिटी की बत्ती बनाकर उसका क्या किया मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करके समझ जाओ। आप बोलो बोलो, टेल टेल। अक्षर पटेल, बुमराह, सिराज और अर्शदीप ने हमारा दिल दुबई 2021 की तरह टूटने से बचा लिया, लेकिन पाकिस्तान का पिछवाड़ा जरूर तोड़ दिया। इसी के साथ अब पाकिस्तान की इस टूर्नामेंट से विदाई लगभग तय हो गई है। आप बताओ कमेंट करके पाकिस्तान की गांव तोड़कर आपको कहे
आपको कैसा लग रहा है? खैर पाकिस्तान वाले देख रहे हैं तो वो भी कमेंट करके बताएं कि आखिर आपका खराब परफॉर्मेंस का जिम्मेदार कौन था आपकी टीम से? ये क्या बाबर आजम की वजह से पाकिस्तान हारी या फिर रिजवान ने जीता जिताया मैच हरवा दिया? कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपसे कल, इसी पर हम अपना एक एनालिसिस लेकर आएंगे। मस्त मजा आएगा, जाने से पहले मजे ही मजे। भाई कितना भी छोटा टारगेट हो, आप कभी भी T20 में किसी भी मैच को हल्के में नहीं आ सकते। और वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लगा कि ये तो कर लेंगे हम, और सच में तोड़ देना कैमरा, लाती मार दे इसमें, घुसंट भी मार दे कैमरे में, तेरे न मार दो। बता रहा हूं मैं, खुद तो सो गई, ए मैच तो हार गई इंडिया, मैच तो हार गई। 10 ओवर में 57 जब तक सो गई थी मैडम। उसके बाद मैंने देख लिया था, विकेट्स वो थी, रहने दे रहने दे, सो गई थी। मेरे से सुबह उठ के कह रही वो 8 रन चाहिए थे ना आखिरी बोले, मैंने कहा तू रहने दे, 8 रन चाहिए, पता था इसको। फिर झपकी लग गई, वो भी भूल गई क्या हुआ था, वो सुबह उठ के अपडेट फिर ले रही है। लग गई झपकी, लग गई भाई, एक नंबर। कुछ भी कह लो बुमराह से, लेकिन मुझे बढ़िया बॉलर नहीं है पाकिस्तान का हर बार का है वो ना, बिल्कुल आउट होते होते बाहर होते थे ना, किसी किसी कैसे कैसे क्वालीफाई, ऐसे हाथ पैर रग रग के पहुंचे। अब क्या तो बहुत ही मुश्किल है भाई, लेकिन कल ना पिच डिफिकल्ट थी मानना पड़ेगा। और T20 के स्तर के हिसाब से ये मतलब T20 ताबड़तोड़ गेम होता है, मजा नहीं आ रहा। मतलब कि पिच आपको थोड़ी सी और अच्छी कर, चलो ठीक है पहली बार हुआ है अभी। 150-200 बहुत होते हैं, 120 बने, 119 बने ना कल। ऋषभ पंत ने भाई साहब अच्छा करा, फंसी विकेट पर भी रन बनाए। और मैच ओवरऑल अगर हम बात करें, थ्रिलर जिसको कहते हैं, एक बार ऐसा लग रहा था गया मैच इंडिया के हाथ से भाई। कल तो अफरीदी और पठान की कमेंट्री भी चलती, लड़ाई बंद हो गई है हमारी। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।